निशाना लगाया राजू। शुक्रिया। ओए भीम, तुम क्या समझते हो कि तुम ढोलकपुर के महागोविंदा बनने वाले हो? श्री राम की कहानी सुनने में लगती है नई, मगर है बरसों पुरानी। आ जाओ सारे काम छोड़ के, राम सीता की कहानी है ये। तो आज राम का किरदार निभाएंगे हम सबके और ढोलकपुर के सबसे प्यारे भीम, और भीम का साथ देंगे चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया, जिन्हें आप देखेंगे अलग अलग किरदारों में। तो करें शुरू रामलीला लेके प्रभु श्री राम का नाम। तो बोलो राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम कौशल्या माँ का प्यारा, भरत कैकेयी का ध्रुव तारा, सूर्य वंश को मिला सहारा, शत्रुघ्न लखन सुमित्रा नंदन। अयोध्या में आए एक दिन महर्षि गुरु विश्वामित्र। राम और लक्ष्मण को मैं अपना शिष्य बनाऊंगा, कुमार से वीर बनने की उन्हें मैं शिक्षा भी दूंगा। ये सुनकर राजा दशरथ और उनकी रानियां हुए प्रसन्न। वेद वेदांत और शास्त्रों का ज्ञान, देखते ही देखते दोनों बने बुद्धिमान और बलवान। राम, आज तुम्हारे धनुर्विद्या की लेनी है मुझे परीक्षा, क्या तुम प्रस्तुत हो? हाँ गुरुदेव। बोलो श्री रामचंद्र की जय। जहां आयोजित किया गया था सीता का स्वयंवर, समय हुआ अब स्वयंवर का। जो ये महान शिव धनुष उठा सकेगा और प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा, उसी से विवाह करेगी राजकुमारी सीता। लेकिन एक भी शिव धनुष ना उठा पाए। तभी गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद लिए आए श्री राम। उठाया उन्होंने शिव धनुष। राजा जनक आए राम के पास लेकर सीता को अपने संग। राम, तुम हो विजयी, है ये इस प्रतियोगिता का परिणाम। आज से राम के साथ लिया जाएगा सीता का नाम। ऋषि मुनि और देव सभी हुए प्रसन्न सीता राम के मिलन पर। आकाश से देवों ने पुष्प बरसाए, ऋषि मुनियों ने मंगला चरण गाए। उत्सव शुरू हुआ राज्य में, खुशियां अपार फैली अयोध्या में। तो बोलो सियावर रामचंद्र की। अगले दिन जब राजा दशरथ राम को राजा बनाने के विचार में थे, कैकेयी आई चेहरे पर गुस्सा लेकर। सभी कैकेयी को देख कर डरे। महाराज, याद है आपने दिए थे मुझे दो वरदान? रानी कैकेयी, आज आपने हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए हम आपको देते हैं दो वरदान, मेरा वचन, मेरा अभिमान। आज मैं चाहती हूँ वो दो वरदान। पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत को मिलेगा अयोध्या का सिंहासन। और
और दूसरा वरदान कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आपके साथ वनवास स्वामी। वनवास तो मुझे मिला है और ये बहुत कठिन भी होगा। कठिन समय में एक दूसरे का साथ निभाना ही भाइयों का कर्तव्य होता है। हमें आपके साथ जाने दीजिए। स्वामी, हर परिस्थिति में अपने स्वामी का साथ निभाना ही एक स्त्री का कर्तव्य होता है, तो मुझे भी अपने साथ ही ले चलिए स्वामी। ठीक है, चलो फिर। छोड़ कर राज्य, त्याग कर सिंहासन, निकल पड़े लक्ष्मण और सीता के संग। युगों युगों तक अमर हो गए श्री राम निभाकर पिता के वचन। तो बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सीता मैया की, बोलो लक्ष्मण जी की। सीता को दूर झाड़ियों के बीच दिखी एक चमकती चीज। आहा। स्वामी, मुझे वो हिरण चाहिए। मैं जाता हूँ हिरण को लाने। मेरे आने में जो देरी हो, लक्ष्मण तुम यहीं अपेक्षा कर सीता का ध्यान रखो। आप निश्चिंत होकर जाइए। फिर वो सुनहरा हिरन ढूंढने पर भी ना मिल पाया। क्यों इतना वक्त लग रहा है लक्ष्मण? क्या राम पे कोई मुसीबत आई? घबराइए मत माता सीता, ऐसी कोई मुसीबत नहीं जिससे भैया निपट ना पाए। लेकिन मरने से पहले उसने राम की आवाज में सीता और लक्ष्मण को पुकारा। सीते, लक्ष्मण, बचो! सीते, लक्ष्मण, बचो! लक्ष्मण, मैंने कहा था ना, राम पर आई है कोई बड़ी मुसीबत। जाओ जाकर उनकी मदद करो, कुछ और सोचो मत। फिर अपने हाथों से घर के चारों ओर बनाई उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा। फिर चले राम को लाने और सीता से बोले, ये लक्ष्मण रेखा किसी को देगी नहीं अंदर आने, आप इस रेखा के अंदर ही रहिए। भवती भिक्षाम देही, भवती भिक्षाम देही। ये लीजिए ऋषिवर। साधु ने पास आने की कोशिश की परंतु लक्ष्मण रेखा ने उन्हें रोका। मुझे अपना 21 दिनों का व्रत तोड़ना पड़ेगा, लेकिन सीता अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को वरदान दूंगा। मुझे लगता है वो अभी खतरे में है। लक्ष्मण ने मुझे रेखा पार करने से मना किया है, पर मेरे पति के जीवन से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। क्षमा कीजिए साधु जी, मैं खुद लक्ष्मण रेखा के बाहर आती हूँ। साधु ने अपनी असलियत दिखाई। वो साधु नहीं था, रावण था। वो संत नहीं था, पाखंडी था। भैया, भैया आप ठीक हो? आपकी पुकार सुनकर सीता मैया ने मुझे आपकी खोज में भेजा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम्हें सीता को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो हिरन एक मायावी राक्षस था जिसने मेरी आवाज की नकल की थी। जटायु ने बताया सीता का हुआ हरण करके ले गया है रावण। निकल पड़े सीता की खोज में राम और लक्ष्मण दोनों भाई और पहुंच गए किष्किंधा में। रास्ते में राम और लक्ष्मण को मिला एक पंडित, पर वो कोई साधारण नहीं था। पर श्री राम ने पहचान लिया हनुमान को। हनुमान, ए, ए प्रभु राम,
क्षमा कीजिए, मैंने आपको अपना असली रूप नहीं दिखाया। कोई बात नहीं हनुमान, मुझे मिलने जाना है सुग्रीव से, करनी है उसकी मदद। हा? क्या रास्ता दिखा सकते हो मुझे मेरे भक्त? अब मुझे समझ में आया। आइए मेरे साथ आइए। प्रणाम महाराज सुग्रीव, ये श्री राम और लक्ष्मण हैं, ये दोनों आपकी मदद करेंगे। प्रणाम श्री राम, बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? प्रणाम वानर राज सुग्रीव, असुर राज रावण छल कपट से मेरी प्रिय पत्नी सीता को पंचवटी की कुटीर से उठा कर ले गया है। क्या आप बता सकते हो कि वो लोग किस दिशा में गए हैं? कुछ दिन पहले की बात है, आकाश पथ से एक उड़ता हुआ रथ जा रहा था और उस रथ से हमें किसी स्त्री की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बचाओ बचाओ कह के पुकार रही थी, सीता, और उसी से कुछ कहने आकर यहाँ गिरे थे। ये रहे वो गहने, क्या ये आपकी पत्नी सीता देवी के हैं? आप चिंतित ना हो भैया, हम सीता माता को जरूर वापस ले आएंगे। अंगद के साथ जो वानर सेना निकली वो पहुंची एक विशाल समंदर। तुरंत हनुमान गए थे अपनी ताकत को भूल, क्योंकि बचपन में उन्होंने सूरज को था निगल खाया। आते ही हनुमान को याद, तुरंत मिट गया सारा विवाद और हनुमान निकल पड़े लगा के सारा जोर। फिर हनुमान पहुंचे अशोक वाटिका। सीता की दशा देख हनुमान हुए उदास और भारी मन से बोले जाकर सीता के पास, सीता माता, मैं हनुमान, श्री रामचंद्र ने भेजा है मुझे। तब इंद्रजीत ने प्रयोग किया ब्रह्मास्त्र का, उसे नहीं था पता कि ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हनुमान का। परंतु शस्त्र के सम्मान में हनुमान जी ने झुकाया अपना सिर। बंदी बना के ले जाए गए हनुमान रावण के दरबार में। फिर मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूँ। नहीं रावण, दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है, इसे क्षमा कर दे, ये मेरा अनुरोध है। फिर मैं इसे क्या सजा दूं? हाँ, क्यों ना इसकी पूंछ ही जला दूं? जय श्री राम। अब मजा चखाता हूँ तुम लोगों को, बस देखते जाओ। जलती पूंछ से लगा दी आग, सोने की लंका जलकर हो गई राख। हनुमान पहुंचे राम के पास और सीता के आभूषण दिए। ये है दरिया दिल विभीषण, ये हमारा साथ देंगे हर क्षण। फिर राम ने की समंदर देवता की पूजा। जिस दानव ने राम से भिड़ने की हिम्मत दिखाई, राम ने उसको जमकर धूल चटाई। जय श्री राम, जय श्री राम। वानर सेना को हारती देख हनुमान आए उनको बचाने। दी गदा घुमा के कुंभकर्ण के होश आए ठिकाने, और कुंभकर्ण का कर दिया विनाश।
लक्ष्मण ने जैसे ही देखा भैया को बचाने स्वयं आए शस्त्र के सामने। लक्ष्मण! लक्ष्मण को देख जब सब भर गए दुख से, तभी जामवंत बोले अपने मुख से, लक्ष्मण की जान बचानी है तो विशाल करणी औषधि चाहिए होगी, जो गंध मदन पर्वत पर है, जहाँ पहुँच न सका कोई भी। मैं जाकर संजीवनी बूटी लेकर आऊंगा। गंध मदन पहुँच कर हनुमान जी हो गए भ्रमित, कौन सा पौधा सही है ये कैसे करें निश्चित। फिर उन्होंने इस समस्या का हल निकाला और पूरी पर्वत को ही उखाड़ डाला। लक्ष्मण के होश आने के बाद विभीषण ने उनसे कहा, राम रावण के युद्ध से पूरी धरती थर आई। फिर इसके बाद रावण का रथ और उसके तीर राम ने तोड़ दिया और फिर से राम पर हमला कर दिया। राम ने रावण के 10 सिर काटने चाहे, फिर अयोध्या पहुँचे सब जन, दिए जलाए मनाया जश्न, भरत ने राम को राज्य सौंपा। फिर राम राज्य का युग आया। तो बोलो श्री राम चंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे, खेलेंगे, फिर खाएंगे। अरे अरे अरे, सबका वोट ले लेते हैं, कौन पहले खाना खाना चाहता है, हाथ उठाओ। कौन पहले खेलना चाहता है? वैसे मैं तो पहले थोड़ी देर आराम से सोना चाहता था, पर ठीक है, अब पहले खेलना चाहता हूँ। तैयार? ये मेरे 4 वोट है, कालिया के 3। पहले खेलेंगे छुपन छुपाई, चलो 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 चलो। पांच, 6, 7, 8। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? 9, 10। अब आएगा मजा। मुझे नहीं खेला ये बेकार का खेल। हमें भी ऐसा खेल नहीं खेलना जिसमें हमारा पापड़ बन जाए। तो किसने कहा था मेरे पीछे छुपने के लिए? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 मैं आ रहा हूँ। ढोलू भोलू के जूते पकड़ लिया। चुटकी की चोटी तो वो यहाँ छुप कर बैठी है।
ठीक तो हो ना, चिल्लाए क्यों? उस्ताद का लात पड़ी, हमने सब देखा।